हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू नन विदितिमन। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, क्लास 10th के अंदर। आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर 5, नाम है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। चलिए आप लोग मन लगाकर बस इन चीजों को याद करते जाइए। सबसे पहले हम करेंगे चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियां प्रचलित हैं, बल्कि ये चित्र कागजों, कपड़ों, हवेलियों, मंदिरों और महलों की दीवारों पर अर्थात भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, महलों की दीवारों पर, मंदिरों पर, हवेलियों पर, यहाँ तक कि कपड़ों और कागजों पर भी राजस्थान की चित्रकला जो है वो दिखाई देती है। राजस्थान में आलिनिया, दर्रा, कोटा में, बैराठ जयपुर में और तथा दर भरतपुर नामक स्थानों से शैल आश्रयों, गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। यानी काफी टाइम पहले से जब आदि मानव थे तो उनकी गुफाओं में जो चित्रांकन था, चित्रकला थी, वहीं से देखने को मिलती है। तो काफी प्राचीन है ये। V.S. वाकड़कर ने राजस्थान को 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू और ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की थी। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओध नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिका सूत्र चोरणी जैसलमेर भंडार में भंडार मिले हैं। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि वी एस वाकड़कर ने राजस्थान में 1953 में, पूछा जा सकता है कब, 1953 में कोटा में चंबल घाटी, झालावाड़ के निकट काली सिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू और ईडर में चित्र शैलाश्रयों की खोज की थी। किसने की थी? B.S. वाडकर ने। कहां पर? राजस्थान में। कब? 1953 में। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं, ठीक है। तो खोज जो है वो कब? 1953 में हुई थी। लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि विशुद्ध यानी कि शुद्ध, और भी शुद्ध तरीके से, विशुद्ध का अर्थ जो है वो इसका सिमिलर ही होता है शुद्ध का। तो राजस्थानी चित्रकला का जन्म हम मान सकते हैं 1500 ईस्वी के आसपास। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ है, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। तो राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है, माना जाता है मेवाड़ को, जो कि किस चित्र शैली से प्रभावित है? अजंता चित्र शैली से प्रभावित है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, गुजरात शैली, उसके बाद अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। जिस तरीके से भाषा का प्रभाव रहा, उसी तरीके से राजस्थानी शैली, राजस्थानी चित्रकला में भी पहले जैन शैली का प्रभाव रहा, फिर गुजरात शैली का और अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 में प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन जो है वो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में प्रस्तुत किया। कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली और हैविल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। W.H. ब्राउन ने भी अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। तो राजपूत चित्रकला का नाम देने वाले कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली, हैविल और W.H. ब्राउन, ठीक है, तीनों ही, देखिए, कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली, हैविल और W.H. ब्राउन, ये कौन है जिन्होंने राजपूत चित्रकला शैली नाम दिया? किसे? राजस्थानी चित्रकला को। रामकृष्ण दास ने इन मतों का खंडन किया और इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। इन्होंने इसे राजपूत चित्रकला, जो इन तीनों ने, चारों ने दिया था, कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली और हैविल W.H. ब्राउन ने, इन्हें राजपूत चित्र शैली कहा, लेकिन वहीं पर रामकृष्ण दास ने इन मतों का खंडन कर दिया और इसे क्या कहा? राजस्थानी चित्रकला शैली नाम दिया। राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित की, इसके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया, जिनमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद श्रीधर अंधारे, डॉक्टर आर.के. वशिष्ठ, किशनगढ़ पर श्री एरिक डिकिंसन एवं डॉक्टर फयाज अली
बूंदी कोटा पर सर्वश्री प्रमोदचंद डब्लू जी आचार्य एवं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा के नाम प्रमुख हैं। तो आप केवल बस इतना ही याद रखिएगा कि राजपूत चित्रकला जो है वो किस किस ने कहा, कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हैविल और डब्ल्यू एच ब्राउन ने। राजस्थानी चित्रकला शैली किसने कहा, रामकृष्ण दास ने। नेक्स्ट है राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। अब हम मेन पॉइंट पर आ गए हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर चार वर्गों एवं उनके उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हांडोती शैली और ढूंढाड शैली, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट है मेवाड़ शैली। इसके अंदर चावन शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, शाहपुरा उपशैली तथा बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला जो है वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट मारवाड़ शैली, जिसमें जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, गाणेवराव, रिया, मिणाए, जूनिया आदि ठिकाना कला, ठीक है, वो किसके अंदर आएगी, मारवाड़ शैली में। हांडोती शैली में बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली। ढूंढाड़ शैली के अंदर आमेर शैली, जयपुर शैली, सिखावटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली, झिलाए, ईसरदा, शाहपुरा, शामुद आदि ठिकाना कला। तो देखिए जैसे कि ये बड़े बड़े बॉक्स जो हैं वो तो है शैली, जैसे बीकानेर शैली है, जैसलमेर शैली है, ठीक है, इस तरीके से। और जो उपशैली है वो इन बॉक्स के अंदर में जो व्हाइट कलर के जो एक बिंदु है, तो ये सभी उपशैलियां हैं। तो शैली, उपशैली, ठिकाना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद करिएगा, मेवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी शैली आएगी, चावन शैली, उदयपुर शैली, नाथद्वारा ये शैली आएगी, और देवगढ़, शावर, शाहपुरा ये उपशैली आएगी। इसके अलावा बागोर, बेंगू, केलवा ये सब ठिकानों की कला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, जैसे हांडोती शैली में बूंदी कोटा तो शैली है और झालावाड़ उपशैली। फर्स्ट है देखिए मेवाड़ शैली। अब थोड़ा सा डिटेल में है कि राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप से मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित तो हुआ। तो हमने जब मेवाड़ पढ़ा था तो हमने वहां पर देखा था क्वेश्चन, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी सबसे पहला चित्रित ग्रंथ याद होगा आपको, तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था, तो वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। यही शैली 1423 ईस्वी की देलवाड़ा में लिखी गई सुपासनाह चरियम पुस्तक में दिखाई देती है। डगलस बैरेट एवं वैसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ में माना है। किसने, डगलस बैरेट एवं वैसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम कहाँ से माना है, मेवाड़ शैली से। पूछा जा सकता है मेवाड़ शैली से माना है, मारवाड़ शैली से माना है, याद रखना है मेवाड़ शैली से। महाराणा कुंभा के काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम काल माना जाता है। तो किसके काल को स्वर्णिम काल माना जाता है मेवाड़ शैली में, तो महाराणा कुंभा के काल को माना जाता है, ठीक है। और इस चीज को आप पहले भी याद कर चुके हैं, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ मेवाड़ शैली का उदाहरण है, जो कि तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ। उदय सिंह के काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रित नाना राम की कृति है। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड में भी चित्रकला का विकसित हुआ। इस काल की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी में जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। तो हमने देखा कि तेज सिंह के समय में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी प्रथम चित्रित ग्रंथ, महाराणा कुंभा के समय में, उसके बाद उदय सिंह के समय में परिजात अवतरण, महाराणा प्रताप के समय में चावंड चित्रकला, और प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ईस्वी में जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उदयपुर शैली।
मेवाड़ शैली को हमने देखा। नेक्स्ट देखिए उदयपुर शैली। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का बहुत अधिक विकास हुआ, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में। और चावंड चित्र शैली को प्रारंभ किसने किया? महाराणा प्रताप ने। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ था। महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ था। इन चित्रों को निशारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि वो चित्रकार उस चित्रकार का नाम क्या है जो कि महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला मेवाड़ शैली का ग्रंथ जो है वो लेकर आए थे। तो इन चित्रों को निशारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल जो है वो किसे माना जाता है? तो वो काल माना जाता है राणा जगत सिंह प्रथम के समय को। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भगवत पुराण, रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार शहाबदीन और मनोहर रहे। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारोक कारखानों के नाम से पुकारा जाता है। तो यहां पर याद करने वाला आपको इस पूरे पैराग्राफ में यही है कि महाराणा अमर सिंह के समय में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रागमाला। किसने चित्रित किया? निसारदीन नामक चित्रकार ने। जगत सिंह प्रथम का काल जो है वो मेवाड़ की लघु चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको ये नोट करना है। नेक्स्ट देखिए, राणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख हैं। मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति गठीली मूछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी और लंबा सापा तथा स्त्रियों का चित्रांकन, सरलता के भाव से युक्त मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लूगड़ी घाघरा, कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि रंगों का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं बताई गई हैं कि पुरुषों की गठीली मूछें, भरा हुआ चेहरा, बड़े आंखें, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, ये जो है दिखाई देता है उदयपुरी पगड़ी लंबा साफा चित्रों में। वहीं स्त्रियों का बताया गया है कि मीनाकृत आंखें हैं, सीधी लंबी नाक है, भरी हुई दोहरी चुबुक है, ठिगना कद है, लूगड़ी घाघरा, ये सब कुछ पहने हुए राजस्थानी आभूषणों से सज्जित, ऐसी जो चित्रकला है वो दिखाई देती है मेवाड़ शैली में। अगला है नाथ द्वारा शैली। तो देखिए ये चीज जो है ये सिर्फ आपको क्या समझनी है, यहाँ पर आपको रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। इससे पहले हमने उदयपुर शैली को देखा। नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया अध्याय जोड़ता है। यह उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। अब ये पिछवाइयां क्या होती हैं? ये पिछवाइयां क्या होती है? जो श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए, जो भी सजावट के लिए बड़े आकार के कपड़े के जो पर्दे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? पिछवाइयां बोलते हैं। तो जैसा कि नाम से ही है कि पीछे लगाया जाने वाला, भगवान की जो जो भी प्रतिमा होती है उसके पीछे जो है वो सजाने के लिए बड़े आकार का जो पर्दा लगा देते हैं कपड़े का, उसी को बोलते हैं पिछवाइयां। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियां, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है।
इसमें हरे पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। इसकी अन्य विशेषताओं में केंद्र में श्री नाथ जी की आकृति, गायों का मनोरम दृश्य, आसमान में देवताओं का अंकन, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति, कदली वृक्षों की प्रधानता आदि है। नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घाशीराम, तुलसीराम आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। महिला चित्रकारों में कमला और इलायची का नाम मिलता है। तो नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र के अलावा चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घाशीराम, तुलसीदास इनके नाम प्रमुख हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो वहां कमला, इलायची इनके नाम जो है वो मिलते हैं। किसमें? नाथ द्वारा शैली में। तो हमने केवल पिछवाइयों का नाम जो है वो नाथ द्वारा शैली में ही पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में स्थापित किया। इसके पश्चात यहां से देवगढ़ शैली का जन्म जो है वो माना जाता है। कहां से माना जाता है? महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया। यहीं से देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहां के सामंत 16वीं उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में अब ये पूछा जाएगा आपसे कि देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा एवं बैजनाथ। ठीक है, तो इनके नाम आप याद रखने हैं। प्राकृतिक परिवेश शिकार के दृश्य, अंतःपुर है, राजसी, ठाटवाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। तो जो थीम है वो क्या रही है देवगढ़ शैली की? वो रही है कि एक तो नेचर पर होंगे, शिकार के दृश्य होंगे, राजसी ठाटवाट पर होंगे, श्रृंगार पर होंगे और सवारी पर होंगे। ठीक है, इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी और मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मारवाड़ शैली। तो हमने अभी मेवाड़ शैली देखा। मारवाड़ शैली की चित्रकला का वैभव मूलतः जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके अतिरिक्त जैसलमेर, नागौर, अजमेर इनके कुछ भागों में भी इसका व्यापक प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। तो मारवाड़ चित्र शैली जो है वो मारवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो यदि वो याद है तब भी हम देख पाएंगे कि जोधपुर की दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। जैसलमेर, नागौर और अजमेर के कुछ भागों में इसका प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया, जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक चित्रावशेष में हमें प्रतिहारकालीन ओद नियुक्ति व्रति में मिलते हैं। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। तो मारवाड़ शैली में मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यानों पर आधारित चित्रण जो है वो दिखाई देता है। जोधपुर शैली मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चोखे लाओ महल तथा चित्रित उत्तराध्यन सूत्र से प्राप्त होते हैं। सन 1610 में लिखित एवं चित्रित भागवत मेवाड़ और मारवाड़ की अनेक विशेषताओं से युक्त है। देखिए ये चीजें जो है वो आप अभी यहाँ पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत आपके माइंड में रहेगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपको। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सन 1623 में कलाकार वीर जी द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चांपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई। कब? 1623 ईस्वी में वीर जी द्वारा किसके लिए? पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए चित्रित की गई रागमाला चित्रावली। किसने की? वीर जी ने। किसके लिए? विठल दास चंपावत के लिए। कब की? 1623 ईस्वी में। लघु चित्रों में छोटे आकार की इकहरी वसली पर निर्मित ये चित्र शुद्ध राजस्थानी शैली में अंकित है। जोधपुर शैली में एक मोड़ महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया।
कैसे कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल के चित्रों में दिखाई देता है। तो अब पहले क्या था, स्त्री या पुरुष, नेचर, इन पर ही चित्र बनाए गए। लेकिन मोड जो है वो कब आता है, जोधपुर शैली में, महाराजा जसवंत सिंह के समय में। अब जो चित्रांकन वो दिखाई देने लगा, जैसे मुगल सॉरी कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव इस काल में दिखाई देने लगा चित्रों के अंदर, इससे पहले नहीं दिखाई देता था। महाराजा अजीत सिंह के शासन काल में संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे अधिक सुंदर और प्राणवान चित्र बने। ऐसा लगा जैसे कि ये बिल्कुल ही ओरिजिनल है और बिल्कुल बाहर ही निकल कर आ जाएंगे, इतना ज्यादा इन चित्रों में दिखाई देने लगा। कब, अजीत सिंह के समय में, जिनमें सामंती संस्कृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। तो महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, डालचंद। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य करते हुए मेहरानगढ़ संग्रहालय में जोधपुर कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। किसके चित्रों की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में जो चित्रकार था डालचंद, उसकी बात कर रहे हैं कि उसने जो चित्र बनाए थे वो महाराजा अभय सिंह नृत्य करते हुए, ऐसे चित्र बने हुए हैं जो कि मेहरानगढ़ संग्रहालय में जोधपुर में है और कुंवर संग्राम सिंह संग्रह जयपुर में सुरक्षित है। महाराजा मान सिंह ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, तो चित्रांकन जो है वो बढ़ती ही चली गई। नाथ संप्रदाय के अनुयायी, देखिए सबसे पहले प्रारंभ जो है वो मेवाड़ चित्रकला से माना जाता है, ठीक है, मेवाड़ को ही माना जाता है प्रारंभ, उसके बाद मारवाड़। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमर भाटी, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधोदास, राम सिंह भाटी, शिवदास, ये सभी प्रमुख है। दाना भाटी द्वारा निर्मित चित्रों में मारवाड़ की चित्रण परंपरा का चरमोत्कर्ष देखा जा सकता है। तो प्रमुख चित्रकार जो है वो केवल नाम तो आप याद ही रखेंगे, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह भाटी और शिवदास, ठीक है, मारवाड़ चित्र शैली के। मारवाड़ शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा, जो कि हमने बात कर ली थी कि यहाँ पर जो थीम थी वो किस पर आधारित थी, प्रेमाख्यान पर। इन प्रेमाख्यानों में ढोला मरवड़, मूमल महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी प्रसिद्ध रहे। तो आप लोग पढ़ते होंगे रूपमती और बाज बहादुर, तो ये किस शैली के हैं, मारवाड़ शैली के विषय हैं ये, और प्रेम पर आधारित जो हैं ये चित्र जो हैं वो बनाए गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा नाम आप याद रखेंगे, ढोला मरवड़, मूमल महेंद्रा और रूपमती बाज बहादुर और कल्याण रागिनी। जोधपुर शैली के पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन के, उनके गलमुच, ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण, स्त्रियों की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, लाल फुंदनों का प्रयोग हुआ। बादाम सी आंखें, ऊंची पाग जोधपुर शैली को अधिक निजी देन है। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का बाहुल्य है जो स्थानीय विशेषता है। प्रकृति का चित्रण मारवाड़ के परिवेश के अनुकूल हुआ है। चित्रों के खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया गया है, किसमें, मारवाड़ चित्र शैली में। तो आज हम वीडियो इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो अभी और भी शैली हैं जिनको हमें पढ़ना है, वीडियो काफी लंबा हो जाता है और समझने में भी परेशानी आती है, ये सब कुछ एक जैसा ही मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी शैली है उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।